सेब सर भैया सब रेट में जैसे कि 30 से लेके 45 रुपए 20 से 45 रुपए के बीच पे चल रहे हैं सर। क्वालिटी कौन कौन सी आ रही है? कश्मीर क्वालिटी। ओके सर, ये वैसे केट कितने की आती है सर? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 650-650 की क्रेड आती है। कश्मीर ये वन क्वालिटी है, 20 से लेके 45 रुपए के जी तक मिल रहा है सेब। अब आके ले सकते हैं मंडी भैया के यहाँ, दुकान का एड्रेस शो कर देते हैं हम लोग, नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं आके। केवन क्वालिटी क्या चल रही है सर? हाँ क्या, हाँ क्या चल रहा है सर? ये अमरूद मत चल रहा है, कितना? 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो चल रहा है, 20 तक बढ़िया माल की। अच्छा अच्छा, और सर क्रेडिट कितने की है? 400 तक क्रेडिट मिल रही है सर। मतलब आपने बोला मद्दा चल रहा है, ऐसा क्यों? मतलब क्या क्यों क्यों ऐसा क्यों, मद्दा क्यों चल रहा है? मद्दा क्या चल रहा है? मद्दे का तो है क्या, फसल अच्छी है तो इसलिए मद्दा। अच्छा मतलब अगर मान लो इसमें क्या मतलब उसमें रेट बढ़ेगी क्या जी रही थोड़ा जी? फिलहाल तो यही रेट रहेगी। अच्छा, जबकि देखी जाएगी इसलिए अमरूद मद्दा है। अच्छा अच्छा, बहुत फायदेमंद होता है के लिए। हाँ सर, तो आप 30 रुपए के लिए चल रहा है पपीता का रेट। पपीता चल रहा है 30 रुपए के जी। पपीता का रेट महाराष्ट्र का माला सर, ये सिरपुर का एवन क्वालिटी को बोला जाता है इसको, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की क्वालिटी आप जानती हैं कैसी है, और महाराष्ट्र को भी फलो बहुत एवन क्वालिटी का होता है। तो दिखा रहा हूँ आपको, चीकू दिखा रहा हूँ मैं आपको, 40 रुपए के जी आस पास चल रहा है मंडी में आपका रेट है चीकू का। सब माल चीकू के डिब्बे रखे हुए हैं सर। ये डिब्बा कितने का पड़ता है सर? ये डिब्बे में 10 किलो वजन होता है। हाँ। डिब्बा 300 से लेके 450 तक का बिक रहा है, यानी कि 30 रुपए किलो से 45 रुपए तक का एवरेज। 48-40। ओके ओके ओके, देखिए सर 10 लोग का डिब्बा आप लेते हैं 300-450 की, फिर उसको क्वालिटी को निर्भर करता है कि माल कैसा है, माल के ऊपर क्वालिटी का फिर रेट लगाया जाता है। सर आपका माल वैसे आता कहाँ से आ रही है? गुजरात से आ रही है, गुजरात से माल आता सर। सर इसमें रेट में क्या कुछ अब डन होगा क्या? फिलहाल अभी आगे बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा नहीं फिलहाल, लेकिन मतलब कोई संभावना नहीं है नीचे गिरने की। आपको तो बताऊँ तो मैं, इनका जो आप चीकू देख रहे हैं ये नीचे ही गिरेगा इसका जो है बढ़ने का, तो आगे मालिक वो नहीं है जहाँ से, क्योंकि जितना है उतना बढ़ चुका है, अब आगे तो बढ़ेगा नहीं, इतना रहेगा ये चीकू का रेट। शंकर सिंह ने पूछ लेते हैं फिर चलते हैं। सर आपका नाम क्या है? वासुदेव। सर आपका एड्रेस क्या है इसका? कॉन्टेक्ट नंबर आपका? 9760-35770। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सर, थैंक यू। 35 माल देखिए, मैपुर से माल आता है ये नारियल का, 32 रुपए चल रहा है नारियल का रेट, छोटा हो बड़ा हो आप ले सकते कैसे भी, 32 रुपए चल रहा है। मैपुर से माल है ये, नारियल का रेट है ये 32 रुपए, 30-32 रुपए चल रहा है माल ये। मैसूर का माल है, बहुत अच्छा माल है ये, एवन क्वालिटी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं शंकर बद्या आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंडियन मंडी में। दोस्तों आज 9 दिसंबर है, दिन शुक्रवार 2022। आज हम पता करेंगे फल मंडी में फल का भाव क्या है। चलो दोस्तों चलते हैं फल का भाव पता करने के लिए। सर में मतलब क्वालिटी कौन सी क्वालिटी है? क्वालिटी कौन कौन सी सर में? ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी जी। माल आता कहाँ सर आपका? कानपुर से माल आता है आपका, और 22 रुपए किलो चल रहे हैं सर अभी, 22 रुपए किलो मंडी के रेट है। मंडी के, अच्छा अच्छा 22 रुपए चल रहे हैं सर। ये क्रेट कितने की होती है सर? ये पूरी क्रेट भाव जी 400 रुपए की 18 किलो की पड़ती है। अच्छा 400-18 किलो की पड़ती है, 400 की पड़ती है, 18 किलो की क्रेट आपकी है बनाना की, और आपके 22 के चल रहे हैं केले, थोक मार्केट मंडी रेट सिकंदरा मंडी। सर आपका नाम क्या है?
मेरा नाम भूपेंद्र बघेल। ओके भूपेंद्र सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर 95 68 41 970। ओके सुन, ये कीनू है, ये वीडियो है इसकी, ये रहा 25 रुपए किलो चल रहा है कीनू का भाव है मंडी में, 25 रुपए के जी चल रहा है कीनू, होलसेल मार्केट आगरा मंडी में चल रहा है 25 रुपए के जी, 25-30 रुपए के लिए चल रहा है, पंजाब का माल है जी, पंजाब क्वालिटी है। अगर आप एक क्रेट लेते हैं तो आपको 20 केजी की क्रेट 400 रुपए की पड़ती है, 400 रुपए की 20 केजी की क्रेट पड़ेगी आपको 400 रुपए की सर।